बार हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में अतीक अहमद आ चुका है अदालत में। बिल्कुल आशुतोष, उनकी गाड़ियां अब गेट नंबर एक से भीतर जाएंगी और आप देख सकते हैं किस तरीके का काफिला है, किस तरीके की बड़ी व्यापक सुरक्षा दिखाई दे रही है और ये पुलिस बंदोबस्त देखिए, कई गाड़ियों का काफिला है और पीछे पीछे वो पुलिस वैन, आपको इस वक्त पुलिस वैन दिखाई पड़ रहा होगा इसी मेन गेट से, एक नंबर गेट से जिससे तमाम जज अंदर गए हैं और ये वो गाड़ी है जो कि भीतर जा रही है और इसी में बताया जा रहा है कि अतीक, फरहान और अशरफ ये तीनों इस गाड़ी में मौजूद है। तो हमारे कैमरामैन आपको ऊपर के एंगल से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक एक करके तमाम गाड़ियां इस वक्त अंदर जाएंगी यानी कि कोर्ट के परिसर के भीतर में प्रवेश हो चुका है अतीक अहमद के उस पुलिस वैन का और अब उसे इस वक्त 12:10 का वक्त है और 12:30 अदालत के सामने वो पेश होगा जहां पर आज उस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो ये एक ऐतिहासिक घटना उत्तर प्रदेश और खास करके प्रयागराज के लिए, जबकि 2 दशकों से ज्यादा का जिसका क्राइम का इतिहास रहा है, 101 जिस पर मुकदमे हैं और आज पहली सजा अतीक अहमद को होने जा रही है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देखिए, पुलिस की भारी बंदोबस्त, साथ साथ जो आरएएफ के रैफ के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के वो जवान हैं और अतीक अहमद, साथ साथ अब पुलिस के लोग भीड़ को हटा रहे हैं, पुलिस वालों को हटा रहे हैं और ये देखिए इस तरीके के हालात, थोड़ी स्टैम्पीड जैसी स्थिति हुई और लोगों ने रास्ता लगभग बना लिया है। तो कुल मिलाकर के ये इस वक्त की जो स्थिति है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो आज तक के हमारे कई सहयोगी, कई संवाददाता इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हैं जो उनके कैमरे से आप सभी दर्शकों को अपडेट और हर तस्वीर हर एंगल से दिखा रहे हैं। कई कैमरे मौजूद हैं, आज तक की टीम मौजूद है, चित्रा मौजूद है, अरविंद मौजूद है, अभिषेक मौजूद है। चित्रा का रुख कर लेंगे। चित्रा, दुनिया ने कभी अतीक के दबदबे को देखा था और आज उसका अंजाम और हश्र देख रही है। बिल्कुल सही कहा आशुतोष आपने, इसी रास्ते से होता हुआ अतीक अहमद का जो काफिला है, जो गाड़ी है वो अंदर इस एमपीएमएलए कोर्ट में जा चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी ज्यादा भीड़ है। आरएएफ के जवानों ने वहां पर लोगों को हटाने की कोशिश की है लेकिन अब सजा का ऐलान होना है और आपको बताते चले यहाँ पर थोड़ी झड़प भी देखने को मिल रही है। पत्रकार थोड़ा आगे जाना चाहते हैं वहां पर वीडियो शूट करने के लिए लेकिन आरएएफ और पुलिस वाले जो है वो उनको साइड में कर रहे हैं। यहाँ पर बकायदा रस्सी लगा दी गई है ताकि कोई भी अंदर नहीं जा सके लेकिन अब गुनाहों का जो देवता यहाँ पर बना हुआ था, अपने आप को रसूख में रखा करता था, जो हमेशा अपने आप को दिखाया करता था, उनको अंजाम दिया करता था लेकिन उसके बावजूद अपनी छवि को, क्योंकि कल ही हमने देखा था अशरफ को जब लेकर आया जा रहा था तो उसकी ओर से कहा गया हम तो राजनीति। बिल्कुल चित्रा, आपका रुख करेंगे, कोई तकनीकी समस्या है फौरन आपका रुख करेंगे। कुमार अभिषेक, आप क्या जानकारी देंगे, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, जरा दिखाइए टॉप एंगल से दर्शक देख पा रहे हैं, हर एक एंगल से कोशिश करिए कि दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचे। अरविंद, आप हमें सुन पा रहे हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो जानकारी दर्शकों को अपडेट दें। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं ये जो वकील है ये क्या है, ये उसको जो है फूल माला पहनाई जाती थी, ये अतीक अहमद गीदड़ आदमी है, आज उसको सजा हो रही है इसलिए उसको जूते पहनाई जाएगी। की तस्वीरें भी हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये जो वकील है बकायदा जूते चप्पल की माला लेकर पहुंचे हुए हैं अतीक अहमद को, लेकिन तस्वीर जरा आपको दिखाइए, एक के बाद एक गाड़ी जी एक चित्रा गाड़ी आई है यहाँ पर जी चित्रा। ऐसा लगता है कि जो तमाम गाड़ी के भीतर मौजूद है अतीक अहमद को आप देखेंगे, हम अंदर की तरफ यहाँ पर धक्का मुक्की भी काफी ज्यादा हो रही है, आप देखेंगे अतीक अहमद इस गाड़ी में मौजूद है यानी कि जो चार ये जो उनके लिए कैदियों के लिए जो वैन होते हैं वो चार यहाँ पर वैन आज लेकर आए गए हैं और यहाँ पर अब उसको लेकर अंदर की तरफ जाया जा रहा है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं चार गाड़ियां आई है, उनमें से एक अंदर गई, चार गाड़ियां आई थी उनमें से एक जो सबसे आखिरी वाली गाड़ी थी वो अंदर गई है और उसी में अतीक अहमद की मौजूदगी थी। अब जाकर आपको बताते चले चार गाड़ियां आई हैं इस तरह की जो कैदियों के लिए जो वैन होते हैं उनमें से जो सबसे आखिरी गाड़ी थी उसके भीतर अतीक अहमद था, अब उसको लेकर अंदर जा चुकी है पूरी की पूरी टीम और वहां पुलिस अधिकारी उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। सुरक्षा के मद्देनजर
ये कदम उठाना पड़ा है। हमने देखा जब उसको लेकर आया जा रहा था साबरमती जेल से, तो सिर्फ दो गाड़ियां थी जो वहां पर रखी गई थी, लेकिन यहां पर चार गाड़ियां आती हैं। पहले दो गाड़ी आती है और उसके बाद यहां पर ब्रेक होता है 3 मिनट का, और उसके बाद फिर दो गाड़ियां और आती हैं, जिनमें से एक गाड़ी के भीतर यहां पर अतीक अहमद की मौजूदगी होती है। उसको लेकर अब अंदर जाया जा चुका है और आज उसके सजा का ऐलान का दिन है। 40 सालों तक इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, प्रयागराज हो, पूर्वांचल हो, अवध का क्षेत्र हो, जिसने आतंक मचा कर रखा था, 100 से ज्यादा जिसके ऊपर गुनाहों के केस दर्ज है, एक के बाद एक, चाहे हत्या हो, अपहरण हो, रंगदारी हो, लोगों का अपहरण करके उसे वसूली करने वाला हो, कई ऐसे मामले दर्ज थे। आज सजा के ऐलान का दिन है, लेकिन सिर्फ एक मामले में सजा आज होनी है, अपहरण के केस में। और फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त यही है, अतीक अहमद आ चुका है, चार गाड़ियां आई, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को लेकर आया गया है, क्योंकि यहां पर पुलिस वालों को भी पता है कि किस तरह से उसके गुर्गे सक्रिय हैं, और हम सब जानते हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो बम को कहीं भी ब्लास्ट करवाने में कामयाब माने जाते हैं। हमने देखा था उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी किस तरह से छोटे छोटे बम कई जगह पर फोड़े गए थे, इसी वजह से यहां पर बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, परिंदा भी पर नहीं मार पाए, इस तरह की यहां पर व्यवस्था की गई है। बाकायदा चार वो वैन जो कैदियों को लेकर आती है, पहले दो वैन आती है, मीडिया कैमरे उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो तस्वीरें नजर नहीं आती है, पूरा अंधेरा होता है वैन के अंदर से, तो लगता है कि आ चुका है अतीक अहमद, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर का पॉज होता है और दूसरी दो गाड़ियां और आती हैं, फिर उनमें जो सबसे आखिरी वाली गाड़ी होती है उसमें अतीक अहमद।